हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 39 साइज कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल ही मत देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा कुर्ती का कपड़ा है जो 2.25 मीटर है, और यहाँ जो आगे ये आगे जो दिया रहता है पट्टी वो है, उसको हम निकाल लिए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी। तो सबसे पहले इसको कुर्ती के कपड़े को खोल लेना है। तो जितना आपका हिप साइज है उससे 2 इंच मार्जिन लेके इसको फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे ये मेरा बॉर्डर था, इसलिए इसमें वर्क बना हुआ था, इसलिए हमको पूरा कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको अगर नॉर्मल कपड़े में कटिंग करना रहे तो जितना आपका हिप है उससे आप 2 इंच मार्जिन लेके आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिएगा इस तरह 2 फोल्ड में। उसके बाद इसका लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे लंबाई हमारा है 41 इंच, ये बॉर्डर बना हुआ है, इसलिए इसको हम यहाँ पे रखेंगे 40.5 इंच। इस तरह से 40.5 इंच में निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हम रखेंगे 14.5 पे, क्योंकि ये थोड़ा लंबी कुर्ती है। उसके बाद यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पे, तैयार होगा मेरा 20.5 इंच पे। इस तरह से सीधी लाइन खींच देना है। तो यहाँ पे कमर का निशान हो गया, ये हिप का निशान हो गया, और उसके बाद यहाँ आप कंधे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ कंधे का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, क्योंकि ये इसका गला आगे पीछे दोनों छोटा है, इसलिए 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे कंधे का। तो यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे। तो कंधे की चौड़ाई 6.5 इंच पे है। उसके बाद यहाँ से हम आर्महोल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आर्महोल का निशान लगाएंगे। तो आर्महोल का हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे। इस तरह से इसको इस लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सीना का निशान लगाएंगे। तो सीना हमारा 39 इंच है, तो 39 का चौथाई हिस्सा 9.5 इंच और 2 पॉइंट इस तरह से निशान लगाएंगे। कमर है 37 इंच, तो 37 का चौथाई हिस्सा 9 इंच 2 पॉइंट। हिप है 40 इंच, तो 40 का चौथाई हिस्सा 10 इंच 10 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से दामन का निशान लगाएंगे। तो दामन हम 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे, तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से 2 इंच मार्जिन लेंगे, कमर से भी 2 इंच मार्जिन लेना है, और यहाँ से 1 इंच मार्जिन लेना है, क्योंकि यहाँ पर फोल्ड होता है तो ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लिए हैं। उसके बाद सभी निशान को बराबर कर लेंगे इस तरह से। ये मार्जिन वाला निशान है, सबसे पहले इसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो सभी निशान को बराबर कर लिए। उसके बाद यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच पे, 3 में 1 पॉइंट कम, 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई रखे हैं 3.25 इंच पे, और इसकी लंबाई रखेंगे 7.5 इंच पे, क्योंकि 1/2 इंच इसमें सिलाई है, तैयार होगा ये 7 इंच पे। तो यहाँ पर इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये बॉक्स बना देंगे इस तरह से, और उसके बाद इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे 1.5 इंच पे। तो यहाँ पे 6 आर्म होल का निशान है। उसके बाद यहाँ पे 3 इंच पे हाफ कर लेंगे, उसका 3 इंच से यहाँ से हम इस तरह से आर्म होल पे निशान लगाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच डाउन कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये मेरा निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पर हम कट लगाएंगे, कमर पे कट लगाएंगे, यहाँ हिप पे कट लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से कैंची के नोक से इस तरह इस साइड का भी निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ से भी 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को बराबर कर लेंगे। बराबर करके इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो फ्रंट का पार्ट कटिंग किए हैं उसको इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पर इसमें फोल्ड नहीं करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर नीचे पहले फोल्ड का निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे फोल्ड का निशान लगा लेना है। पहले यहाँ पे कपड़े को बराबर कर लेना है इस तरह से। तो नीचे जो दामन के पास है कपड़ा उसको इस तरह से पहले बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच मोड़ने का मार्जिन का निशान लगाना है। इस तरह से मार्जिन ले लेना है 1 इंच नीचे फोल्ड करने का। उसके बाद जो बॉर्डर है बॉर्डर मार्जिन वाले निशान पर इस तरह से रख लेना है। इस तरह से बराबर करके रख लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से एक बार हम कंधा चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कंधा मेरा 6.5 इंच पे है, तो यहाँ भी 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर के तरफ बढ़ा के निशान लगाएंगे इस तरह से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे एकदम इसी जो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग किए हैं उस पर इस तरह से एकदम निशान लगाते जाना है, क्योंकि हम फ्रंट का आर्म होल की गहराई नहीं अभी छांटे हैं। तो इसी पे एकदम निशान लगाते जाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे रखेंगे। और उसके बाद यहाँ से गले की लंबाई 6 इंच पे तैयार होगा 5.5 इंच पे। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे है। और उसके बाद गले की लंबाई 6 इंच पे है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब एकदम इसी निशान पे कटिंग कर देना है। और ये जो फ्रंट का पार्ट है इसी के बराबर बैक का पार्ट कटिंग होगा। नीचे केवल बढ़ा के कटिंग करना है, जो हम नीचे फोल्ड करने का लिए हैं उस पर बढ़ा के कटिंग करना है। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और यहाँ पर बैक पार्ट के गले की भी कटिंग कर ली है, क्योंकि गोली गला बनाना था। उसके बाद अब यहाँ पर बैक पार्ट को हटा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गहराई छाँटेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे बैक का निशान लगाए थे, तो यहाँ पर हम इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से 1 इंच अंदर के तरफ रख के गोलाई देंगे इस तरह से। तो ये यहाँ से हमको जहाँ से निशान लगाए हैं वहाँ से कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो मेरा सूट का कपड़ा बचा था उसमें का हम ये कपड़ा निकाल लिए हैं। तो इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद इसको ये 2 फोल्ड है, उसके बाद इसको इस तरह से 2 फोल्ड 1 फोल्ड और करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 फोल्ड। तो ये हो गया 4 लेयर दोनों स्लीव्स की कटिंग होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लंबाई चेक करेंगे। तो यहाँ पे लंबाई है 15.5 इंच, हमारा तैयार होगा 15 इंच पे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे 1 इंच आगे की तरफ फोल्ड करने का। और यहाँ से एक निशान और लगा लेंगे जो कपड़े को सीधा करने का, क्योंकि कपड़ा यहाँ से तिरछा रहता है। तो इस तरह से निशान लगा के सीधा कर लेना है। उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हम 16 इंच पे रखेंगे। तो यहाँ पे 16 इंच हो गया। इस लाइन को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मोहरी है 10 इंच, 10 का हाफ होता है 5 इंच। तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से।
उसके बाद यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेना है, तो इस तरह से 2 इंच मार्जिन ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 3.5 इंच पे आर्म होल को डाउन करेंगे ऊपर से। उसके बाद यहाँ से जितना हमारा कुर्ती में आर्म होल था उसी हिसाब से हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच कम करके, तो यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद इस लाइन को इस तरह से इस लाइन से मिला देना है, इस निशान को इस निशान से मिला देना है इस तरह से। उसके बाद ये मार्जिन वाला जो निशान है इसको भी इस तरह से मिला देना है। उसके बाद यहाँ से ऊपर से हम इस तरह से गोलाई देंगे, ऊपर से इस तरह से गोलाई दे देना है। तो यहाँ पे स्लीव्स की निशान कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये निशान कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स कटिंग हो गई है, उसके बाद यहाँ पे हम सेंटर पे कट लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो आगे फोल्ड कर किया जाता है वहाँ पे भी कट लगाएंगे इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से यहाँ से 1/2 इंच गहराई कर लेना है फ्रंट पार्ट में, फ्रंट आर्म होल में गहराई कर लेना है। उसके बाद गहराई करके उसी निशान पे इसी तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई। किसी भी साइज का कुर्ती हो तो बड़े आसानी से कट जाता है, एक ही फार्मूला होता है सबके लिए, एक ही फार्मूला से सारी कुर्ती कटिंग होती है। तो यहाँ पे ये बहुत ही आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग हो गई है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।